बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव पर आरोप है कि वो साथियों के साथ नोएडा में रेप पार्टी करते थे। पार्टी में प्रतिबंधित सांपों के जहर का इस्तेमाल करते थे, सांपों के साथ वीडियो शूट करते थे। एल्विश यादव पर यह आरोप पीपल्स ऑफ एनिमल संस्था के गौरव गुप्ता ने लगाया है। इस मामले में पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने खुद को यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़े होने की बात कबूली है। पुलिस को उनके पास से कोबरा समेत अलग अलग प्रजाति के सांप और सांपों का जहर मिला है। ऐसे में सवाल है कि आखिर रेप पार्टियों में सांप के जहर का क्या काम, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह कितना खतरनाक है। जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे कई ड्रग का चलन बढ़ रहा है जो अल्कोहल एडिक्शन को बढ़ाते हैं। सांप का जहर भी इसी कैटेगरी में आता है। इन्हें साइकोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। गाँव से लेकर शहरों तक इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ साल पहले भारत में एक ऐसा भी केस सामने आया था जिसमें 28 साल के युवा ने सांप का जहर पी लिया था। इसकी शुरुआत अल्कोहल में सांप का जहर मिलाने से हुई थी। पहले उसने जहर और शराब को मिलाकर पीना शुरू किया और फिर एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने जहर भी पी लिया। जनरल रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सांपों की कुछ खास प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोबरा की एक प्रजाति नाजा, ग्रीन स्नैक की एक प्रजाति ओफियोड्रायस वर्नेलियस, कोमन करैत की एक प्रजाति वंगेकरस कैरिलियस शामिल हैं। मुंबई और मंगलुरु समेत देश के कई शहरों में सांप के जहर के एडिक्शन के मामले सामने आ चुके हैं। एल्विश यादव मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से सांपों की कुछ खास प्रजातियों में 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दोगुही सांप, 1 रैट स्नेक मिला है। रैट स्नेक को आमतौर पर घोड़ा पछाड़ कहा जाता है। इसके अलावा 25 ml सांप का जहर भी मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि वो सांप और इसके जहर का इस्तेमाल रेप पार्टी में करते थे। साइंस डायरेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सांप के जहर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खास तरह का एंजॉय फील कराते हैं और शरीर को एनर्जी से भरते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इसका असर दिमाग पर होता है। नशे के बाद कई घंटों तक इसका असर बरकरार रहता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कोरा प्लेटफॉर्म ने दावा किया गया कि सांप के जहर के कुछ बूंदों को अल्कोहल में मिलाकर लिया जाता है। यह नशे के असर को बढ़ाने का काम करता है। यही वजह है कि रेव पार्टियों में चोरी छिपे इसका यूज किया जाता है। आपको बता दें कि सांप के जहर को साइको एक्टिव ड्रग की कैटेगरी में रखा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक साइको एक्टिव ड्रग सीधे दिमाग पर असर छोड़ते हैं। अल्कोहल और निकोटिन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कानूनी तौर पर इनका इस्तेमाल दवा निर्माण और रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है। बिना डॉक्टर की परमिशन या प्रिस्क्रिप्शन से इसे नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना कई देशों में अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल सीधे तौर पर मौत के खतरे को बढ़ाता है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल मौत की वजह बन जाता है। 15 से 64 की दुनिया की 27 करोड़ आबादी ने पिछले साल ऐसे साइको एक्टिव ड्रग का इस्तेमाल किया। इसमें सालाना 5 लाख लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3,50,000 पुरुष और 1,50,000 महिलाएं शामिल थी।